हेलो एंड वेलकम टू होल पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसे कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन उन स्पेशलिटी के पेशेंट हर घर में मौजूद हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ज़रा पूछते हैं ना, आप कंसल्टेंट क्यों कम है और मरीज बहुत ज़्यादा है। असलम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक है जी, अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक। व्यूअर्स, हमारे साथ है डॉक्टर कामरान फरमान साहब जो कि कंसल्टेंट रोमाटोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने रोमाटोलॉजी की डिग्री हासिल की है। तो इनसे ज़रा पूछते हैं जनाब, उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा। माशा डॉक्टर साहब सऊदीया भी रह के आए और वहाँ भी कम्युनिटी को सर्व करके आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पूछना है आपसे कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है और आपने रोमाटोलॉजी की डिग्री कहाँ से ली? जी, MBBS ग्रेजुएशन जो मैंने मुल्तान नेशनल मेडिकल कॉलेज से की थी, तो उसके बाद मैं फिर सऊदी अरब चला गया 2001 में, और मैंने ज़्यादा अपना लाइफ सऊदी अरब में गुजारी। अराउंड 17 ईयर्स मैंने सऊदी अरब में गुजरी। तो मैंने MSc की थी रोमाटोलॉजी किंग अब्दुलजीज यूनिवर्सिटी से, सऊदी से, सऊदी अरब से। अच्छा, किंग अब्दुलजीज मेडिकल यूनिवर्सिटी जद्दा से, उधर से MSc रोमाटोलॉजी की। उसके बाद मजीद फिर मैं सेंट्रल अमेरिका चला गया, उधर से मैंने PhD की रोमाटोलॉजी में जी। फिर मैं वापस जद्दा आ गया, उधर ही मैं सर्व करता रहा एज ए रोमाटोलॉजिस्ट। तो सर, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था कि आप सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान वापस आए, इतने क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आप जानते ही। तो ऐसा क्या था, इस बैकग्राउंड पीछे क्या था, ऐसी स्टोरी क्या थी, ऐसा क्या जज्बा था कि आप सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान वापस आए? उसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि 2-3 फैक्टर हैं। एक तो मैंने बहुत अच्छा सऊदी अरब में सर्व किया, अराउंड 17-18 साल में सऊदी अरब में रह गया। तो एक तो बच्चों की एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप हो रहे थे, उनकी एजुकेशन का प्रॉब्लम था। दूसरा, बहुत देर आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से दूर रह लिया, तो अपने मुल्क की याद सताती थी। तो फिर पाकिस्तान में चूँकि रोमाटोलॉजिस्ट वैसे ही बहुत काम में, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मुल्क में जाके अपने आवाम की खिदमत, अपने लोगों को सर्व किया जाए, अपने लोगों को। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जज्बा था आपका। तो सर, कैसा आपने फील किया एक सऊदीया जैसे इतने एडवांस मुल्क में रहने, मतलब वहाँ के लोग काफ़ी एडवांस हैं पाकिस्तान से, वहाँ इकॉनमी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है और पढ़े लिखे लोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस पाया फिर आपने? असल में यहाँ अवेयरनेस नहीं है। जैसे मेरे पेशेंट हैं जोड़ों के दर्दों के, गेंठिया बहुत ज़्यादा यहाँ कामन है, गेंठिया बहुत आम है, लोगों को पता नहीं है कि ये किस। लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, यूरिक एसिड की वजह से ये दर्दें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली यूरिक एसिड की रीज़न नहीं होती। उनको रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, गेंठिया होता है, अगर घुटनों में दर्द है उसकी रीज़न कोई और होती है, पेन किलर खाते रहते हैं कोई एक्स ले के। तो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, ज़रा पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है और क्या कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाना है, रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्यों जाना है, किस वजह से जाना है। सर, वही जैसे इंट्रो में मैंने कहा कि इस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, लेकिन पेशेंट हर घर में एक दो है। जी जी। तो सर, ये क्या वजह है इतने डॉक्टर काम किए हुए इस स्पेशलिटी में? असल में ये एक सब स्पेशलिटी है, तो ये थी ही नहीं पहले। अच्छा। तो पहले आर्थोपेडिक सर्जरी वाले ना वही इसको डील करते थे पेशेंट जो रोमाटोलॉजी को, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती गई, आस्ता आस्ता उसके स्पेशलिटी फिर डेवलप होती गई। पहले तो सिर्फ फॉरेन कंट्री यूरोप में थी, फिर मिडिल ईस्ट में आई, अब पाकिस्तान में भी इसकी स्पेशलिटी। अब जैसे ये स्पेशलिटी कामन हुई है, तो उसके पेशेंट भी अब आस्ता आस्ता डॉक्टर भी उसके बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो सर, डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा गाइड कीजिएगा, जो रोमाटोलॉजी है, जो रोमाटोलॉजिस्ट होते हैं वो मेनली कौन कौन से अमराज को देख रहे होते हैं, किन किन अमराज का इलाज कर रहे होते हैं? हम जो हैं वो मेनली गेंठिया हो गया, जोड़ों के दर्द हो गए, घुटनों का दर्द हो गया ख़ास तौर पे, फिर जोड़ों के दर्द और सोजिश होगी, लो बैक पेन, कमर की दर्द, फिर कमर की दर्द जो टांगों में आती है उसको डील करते हैं, और मुख्तलिफ रीज़न होती है। बाद लोगों को घुटनों की दर्द होती है लेकिन उसकी रीज़न पीछे नहीं पता होती। तो एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, लेकिन बाद का तो रोमाटॉइड आर्थराइटिस भी नी जॉइंट की पेन करता है, घुटनों की दर्दों को करता है। तो लेकिन उसको डायग्नोज रोमाटोलॉजिस्ट ही कर सकता है कि ये जो है एक
घुटने की दर्द, इसकी क्या वजह है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से उसका खला कम हो गया है, ग्रीस सोगन कम हो गया है, घुटने में पानी पड़ा हुआ है, या फिर उसका रूमाटाइड आर्थराइटिस से जिसको गेंठिया कहते हैं वो है। सर गेंठिया मतलब हम बात करते हैं उर्दू में गेंठिया या पंजाबी में लोग कह रहे थे गेंठिया, मतलब बेसिकली रूमाटाइड आर्थराइटिस है, रूमाटाइड आर्थराइटिस जिससे मतलब सर उसकी जो सिम्टम्स है सर वो क्या क्या है कि हमारे सर व्यूअर्स देख रहे हैं उनको सिम्टम्स पता हो कि ना ये सिम्टम होते जो गेंठिया में या रूमाटाइड आर्थराइटिस में आते जो आपके पास फिर आए। उसकी ज़्यादातर मेन सिम्टम तो ये होती है मेनली जो 90% पेशेंट जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के होते हैं उनके हाथों में, हाथों के जो छोटे जोड़ हैं उन छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। सही है। और स्वेलिंग भी हो जाती है, सोजिश भी हो जाती है, कूनियों में दर्द होती है, शोल्डर जो है वो फ्रोजन हो जाती हैं, जाम हो जाते हैं, कंधों में दर्द शुरू होती है, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द होती है, अक्सर पैरों में भी दर्द होती है। और सुबह जब पेशेंट उठता है ना तो वो कंप्लेन करता है कि मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, और सुबह उठने को दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। मेनली मेन जो सिम्टम्स यही है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो सर इसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी या इसकी काज, मेन काज क्या होती है कि ना पेशेंट के जैसे व्यूवर्स आम है तो कैसे बचा जा सकता है इस गेंठिया से? इससे बचा नहीं जा सकता, ये एक ऐसी मौजी मर्ज है कि जिसकी ना तो कोई रीज़न है और ना ही इसका कोई परमानेंट क्योर है। सही है। इस ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि किसी बंदे को किसी उम्र में किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। विरासती भी होती है? जी विरासती भी, विरासती भी चलती है, बिल्कुल जेनेटिकली जो होती है। सही है। तो ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर इसका डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये फिर किडनी को भी अफेक्ट कर सकती है, जिगर को भी अफेक्ट कर सकती है, आँखों को भी अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसका रेगुलर डॉक्टर को चेकअप करवाना और इसका ट्रीटमेंट करवाना वो बहुत ज़रूरी है। सर ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ है जो कि घर में लोग इलाज भी करवाए, मेडिसिन ले साथ उस चीज़ से परहेज करें, स्पेशली क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है? कुछ चीज़ें होती हैं जो हाइपर यूरिसीमिया काज करती हैं, उससे ज़रा बचना चाहिए। जैसे बीफ है, बड़ा गोश्त हो गया, चने की दाल हो गई है, चावल का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो इससे परहेज करें और साथ में ट्रीटमेंट रेगुलर चलता रहे। बिल्कुल ट्रीटमेंट में इसमें ये सुस्ती नहीं करनी चाहिए कि ठीक है बस दर्द की गोली खा ली मेरी दर्द ठीक हो गई है। दर्द तो ठीक हो जाती है लेकिन अंडरलाइन जो डिजीज़ है वो वहीं की वहीं रहती है, बल्कि वो ग्रो करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। सही। सर ये एज ग्रुप किस में ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, किस एज में ज़्यादा हो रही होती है? ये ज़्यादातर तो अबाव 40 होती है, लेकिन आजकल जैसे जैसे हमारी कोई डाइट अच्छी नहीं है इसका कोई पता नहीं चलता। ये देखा यही गया है कि 30+30s में भी ये हो रही है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जज्बे के साथ आए कम्युनिटी को सर्व करने के लिए पाकिस्तान की, तो डॉक्टर साहब आप कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? मेन मेरा क्लिनिक तो साहिवाल में ही है और उसके बाद मैं एक दिन चीचावतनी भी जाता हूँ और यहाँ भावनगर आता हूँ। भावनगर हर जुमे वाले दिन मैं आता हूँ 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपके पास। व्यूअर्स डॉक्टर कामरान फरमान साहब जो कि कंसल्टेंट रोमाटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक मेन जो साहिवाल के अंदर है लेकिन ये वीकली बेसिस पे हर जुमे को 1:30 से 3:30 बजे तक लाइफ केयर मेडिकल कम्प्लेक्स भी आते हैं और यहाँ पे कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे पेशेंट जो रोमाटोलॉजी में काज कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया ना मेनली इसमें गेंठिया है, जोड़ों का दर्द है, स्टिफनेस है, पट्ठों का खिंचाव है, कमर का दर्द है, तो ऐसे तमाम मरीज या आपके रिलेटिव रिश्तेदार जो इसमें इस मर्ज़ में मुबतला है तो वो लाजमी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, चेक करवाएं। इंशाल्लाह तो माशाल्लाह सऊदीया रह के आए, नेक बंदे हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे करते हैं। सर एक इसमें एक और हमारा चैनल स्टार्ट किया हमने ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, इंसानियत से रिलेटेड कि हम ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल विजिट करेंगे, कॉलेजेस दिखाएंगे जो कि कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, तो उस चैनल के बारे में सर क्या कहेंगे आप हमारे लाइफ केयर चैनल के बारे में? बहुत अच्छी एफर्ट है जी, बहुत अच्छी एफर्ट है। एक अवेयरनेस है, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को नॉलेज मिलता है कि कौन से डॉक्टर कहाँ कहाँ बैठते हैं और कौन से डिजीज के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना है। ये एक बहुत बड़ी आपकी यानी कि खिदमत है ये वहाँ। सर जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते रहेंगे हम गाहे बगाहे, कोशिश करेंगे कि एक महीने के अंदर एक दफ़ा इनसे कोई ना कोई हम डिजीज़ डिस्कस करें, इनसे वो परहेज़ पूछें जिससे हम बच सकते हैं। तब तक अपना ख्याल करें, देखते रहे डॉक्टर काशिफ लाइफ पर यूट्यूब चैनल और अपने लोगों प्यारों की केयर करते रहे। जज़ाकअल्लाह।